रोल है। इस समय हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा पर मौजूद हैं। हम आपको बता दें कि वर्ष 2017 से विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव नहीं कराए गए, जिसको लेकर आज NSS संगठन द्वारा छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर रजिस्ट्रार को ज्ञापन दिया गया और NSS संगठन का ये कहना कि अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो विश्वविद्यालय में अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो जाएगा। आज हमारे साथ जो है NSS के जो युवा छात्र नेता हैं वो जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर क्यों चुनाव कराना चाहिए और क्या मांगे हैं जिसको लेकर आज विश्वविद्यालय में आए हैं। जी, क्या नाम है आपका? विकास कुमार निमित, जिला उपाध्यक्ष NSS। विकास, चुनाव क्यों कराना चाहिए विश्वविद्यालय? ये जब कोई नॉर्मल छात्र अपनी समस्याओं को लेकर कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जाता है तो उनको वो घुमाते रहते हैं। एक छात्र नेता चुनना इसलिए ज़रूरी है, छात्र चुनाव इसलिए ज़रूरी है कि वो उनकी जो समस्याओं को लेकर डायरेक्ट कुलपति हो या रजिस्ट्रार जी हो, कोई भी हो, उन तक पहुँचाए। क्योंकि छात्रों को ये घुमाने का सिलसिला बरसों से है तो छात्र नेता उनकी बातों को दम से रखते हैं, दमदारी से रखते हैं, इसीलिए छात्र संघ चुनाव बहुत जरूरी है। छात्र संघ चुनाव बहुत ज़रूरी है क्योंकि छात्र नेता ही छात्रों का प्रतिनिधित्व करता है और वो छात्रों की समस्याओं को दूर करता है। अब पिछले लगभग 3-4 साल से विश्वविद्यालय में चुनाव नहीं कराए गए हैं, जिसको लेकर जिस तरीके से छात्रों की समस्या बढ़ रही है ये वाकई में सोचने का विषय है। और भी हम उनसे जानेंगे कि भाई क्यों होना चाहिए छात्र संघ चुनाव। छात्र संघ चुनाव से हम छात्रों का प्रतिनिधित्व बढ़ता है और जैसे चुनाव जरूरी है, चुनाव कराना जरूरी है। जी, क्यों कराना चाहिए चुनाव? चुनाव इसलिए बच्चे भी जो भी समस्या लेके आते हैं कॉलेज में आते हैं तो एक से दूसरे काउंटर तक सुबह से लेकर शाम हो जाती है, वो भागते रहते हैं। बिल्कुल, तो उसके लिए वो ये देखते हैं हमारा काम जल्द से जल्द कोई पूरा करा सकते हैं। तो छात्र नेता इसलिए ज़रूरी है, वो उनकी सुनता है, उनका काम देखता है, उन्हें काम करवाते हैं, तो उनकी जो जानकारी है वो उन्हें काम करवाते हैं। छात्र संघ चुनाव इसलिए ज़रूरी है और होना भी चाहिए। छात्र संघ चुनाव होना भी चाहिए और ज़रूरी भी है क्योंकि छात्रों की जो समस्या होती है वो छात्र नेता ही उठाते हैं और लगातार जिस तरह की समस्या बढ़ रही है वाकई में जो है एक दुर्भाग्य का बात है। विश्वविद्यालय किसी समय में गोल्डन यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता था, आज आए दिन इसकी जो छवि है वो धूमिल होती जा रही है। और भी भाई, चुनाव क्यों होना चाहिए? छात्र संघ चुनाव होना हमारे लिए बहुत जरूरी है, जिससे कि छात्रों के हित के लिए वो काफ़ी लाभदायक होता है। छात्र सीधा तो अपनी किसी बात को लेकर के स्टेनो और अधिकारियों के पास नहीं जा सकते और उनको कॉलेज में काफ़ी भी घुमाया जाता है, तो वो एक अपनी समस्या को लेकर छात्र नेता के पास जा सकता है, जिससे कि वो अपनी उनकी समस्याओं को पूर्ण रूप से करा सके और उनको कॉलेज के बारे में बता दिए। उनको काफ़ी घुमा दिया भी जाता है, उनका किसी कार्य कराए ना क्लास भी नहीं लगाई जाती है, क्योंकि हमारे कॉलेज में काफ़ी समस्या होती है, उसके लिए हमें छात्र को चुनना भी जरूरी रहता है। भाई, कॉलेज की समस्या और विश्वविद्यालय की समस्याओं को दूर करने के लिए छात्र संघ चुनाव होना बहुत जरूरी है। और भी हमारे भाई हैं जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिर क्या कहना चाहते हैं ये छात्र संघ चुनाव को लेकर। क्या कहना है आपका छात्र संघ चुनाव को लेकर? मैं अनिकेत दत्त जी, NSS जिला सचिव आगरा जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज NSS के द्वारा गुजरात मेडिकल यूनिवर्सिटी में लगातार धरने दिए जा रहे हैं क्योंकि 2017 के बाद चुनाव नहीं करवाए गए हैं छात्र संघ चुनाव। अगर हमारी बातों में जल्द से जल्द कुछ नहीं किया गया तो हम यूनिवर्सिटी के बाहर धरना भी देंगे और अनिश्चितकाल से जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं की जाएंगी हम लगातार धरने देते रहेंगे और घेराव करेंगे पूरी यूनिवर्सिटी का। देखिए, अब तो छात्र नेता इस चीज़ पर उतर आए कि अगर चुनाव नहीं कराए गए तो हम लोग जो है धरने पर बैठ जाएंगे, हर हाल में विश्वविद्यालय को इस बार चुनाव कराना पड़ेगा, ऐसा छात्रों का कहना है। एक भी युवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पिछले कई वर्षों से जो है लगातार NSS संगठन के लिए काम कर रहे हैं, आज इनसे जानेंगे कि आखिर क्या कहना चाहते हैं, क्यों होना चाहिए चुनाव। चुनाव पर होना जरूरी है क्योंकि विश्वविद्यालय में जो कर्मचारी हैं छात्रों की बिल्कुल नहीं सुनते, आते हैं छात्र रह गए एक से एक काउंटर पर घुमाते रहते हैं, जिससे कि अगर छात्र महीने हो जाते हैं गुजर जाते हैं यहाँ पर घूमते, जिससे कि छात्र चुनाव इसलिए जरूरी है क्योंकि छात्र एक नेता एक ऐसा होता है जैसे छात्रों की आवाज़ को उठाता है, जो कोई समस्या होगी जिससे उसे लेकर और इन्होंने छात्र चुनाव नहीं कराए तो अनिश्चित काल तक यूनिवर्सिटी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में धरना प्रदर्शन होगा, इसका जिम्मेदार खुद विश्वविद्यालय प्रशासन होगा। देख सकते हैं आज लगभग 7-8 लोगों से हमने यहाँ छात्र चुनाव को लेकर बात की और सभी का कहना ये है कि अगर विश्वविद्यालय में इस बार चुनाव नहीं कराए गए तो विश्वविद्यालय का घेराव किया जाएगा, साथ ही साथ यहाँ धरना प्रदर्शन किया जाएगा क्योंकि वर्ष 2017 के बाद विश्वविद्यालय में चुनाव नहीं कराए गए हैं। ये बड़ा मुद्दा है
क्योंकि छात्रों का प्रतिनिधित्व छात्र नेता करता है और ऐसा यहाँ काफ़ी समय से संभव नहीं हो पाया है, जिसके चलते विश्वविद्यालय में लगातार समस्या बढ़ रही है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।